नाइस टू मीट यू। कहाँ जा रहे हो? नहीं बैठना भी पाप है आपके पास मेरे लिए। अरे एक्सक्यूज मी, कैन आई फॉलो यू? व्हाई यार? एक्चुअली मेरे घर वालों ने बोला है कि हमेशा अपने सपनों को फॉलो करते रहो, तो यू आर माई ड्रीम गर्ल। अरे आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? नहीं यार, एक्चुअली यू आर डैम प्रिटी एंटायर पार्क। मतलब मैंने बहुत देर से घूम रहा था, अभी तक मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी यार पूरे पार्क में जो आपसे ज़्यादा खूबसूरत हो। मतलब थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। व्हाट्स योर नेम? भव्य। हाय, माय नेम इज यश। हेलो, यू आर फ्रॉम दिल्ली? यस। नाइस यार, सुना था दिल्ली में ना दिल वाले लोग ज़्यादा होते हैं, लगता है मैं किसी दिल वाली लड़की के साथ में ही बैठा हुआ हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली में दिल वाले लोग नहीं होते, दिल तोड़ने वाले लोग भी होते हैं। आपका तोड़ा है क्या किसी ने? नहीं नहीं यार, एक्चुअली मैं तो अपना दिल यहाँ पे जोड़ने आया था। एक्चुअली आई एम सर्चिंग अ हीर। बाय एनी चांस यू आर सर्चिंग रांझा रोमियो काइंड ऑफ? नो नो नो। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा वेल, आर यू सिंगल और कमिटेड? आई एम सिंगल। कभी कमिटेड होना नहीं चाहा? नहीं। क्यों? ऐसी बस ट्रस्ट इशू है। ट्रस्ट इशू है? किस चीज़ का ट्रस्ट है? ट्रस्ट इशू उसी को होता है जिसका पहले टूट चुका होता है। आपका टूटा है क्या? टूटा नहीं है, बट मैंने देखी है दुनिया। किसकी? गलत लोगों के साथ में दुनिया देखोगे तो ऐसे ही होगा ना यार। नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इनसे, कमिटेड रिलेशनशिप कुछ भी। अच्छा, हाँ जी। दिल उखड़ा हुआ है जमाने से। बट यार कभी कभी किसी अच्छे इंसान को चांस दे के देखना चाहिए ना, जैसे कि मैं भी एक ऐसे बंदा ढूंढ रहा हूँ ना जिसकी पर्सनैलिटी आपके जैसी हो। अच्छा, मतलब मैंने ये सोचा है कि मतलब लड़की ऐसी होनी चाहिए जो लाखों में एक हो, जैसे पूरे पार्क में इकलौती ऐसी हो जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कहीं ना कहीं यार मेरे लिए तो थोड़ी सी बहुत ना सुंदरता मैटर करती करती है, लुक्स मैटर करते हैं हमेशा। लुक्स मैटर करते हैं, बट बिलीव, ट्रस्ट, ये सब भी मैटर करता है। देखो फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है बंदा हमें दिख कैसा रहा है, हम उससे बात करते हैं, बात करने के बाद में हम जानते हैं कि उसका नेचर कैसा है, वो किस तरह से बात करता है, कैसा इंसान है, बाद में पता लगता है ना। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? लुक। और अकॉर्डिंग टू योर लुक मैं तो फिदा हो गया हूँ यार आपके ऊपर। नहीं नहीं, इट्स ओके, बट आप नहीं मानते कि आप पे कोई फिदा हो सकता है, आप इस लायक नहीं हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है 100%। या फिर मैं आपसे बात करने के लायक नहीं हूँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप हो गए अपनी जगह ठीक, बट मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। अच्छा एक बात बताओ, आप एक शर्त लगा लो, 10 दिन अगर मुझसे बात कर ली ना आपने, 11वें दिन आप आई लव यू बोल दोगे मुझे? 10 दिन तो ज़्यादा बोल रहे। हाँ आप एक बार नंबर दे के देखो मुझे, बात करने में क्या जा रहा है? एक पार्टनर तो सबको चाहिए होता है ना, हाँ या ना? चाहिए होता है, बट पर्सनैलिटी में कोई कमी है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, माना वो डोले शोले नहीं है मेरे पास में, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक लैंग्वेज बहुत प्यारी है, कम्युनिकेशन भी अच्छा है, जेब में ठीक ठाक पैसे वैसे भी हैं, ध्यान भी रख सकता हूँ, दिल भी बहुत अच्छा है। आपकी सारी बात ठीक है, बाहर बुलेट भी खड़ी है मेरी। आपकी सारी बात ठीक है, बट मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। मैं कह तो रहा हूँ कि 10 दिन आप सोच के देखो, 10 दिन एक तो चाहिए होता है ना फ्यूचर के लिए। यार मैं आपसे कह रहा हूँ अगर 10 दिन आपने मुझसे बात कर ली ना तो 11वें दिन आप खुद आई लव यू बोल दोगे। अरे इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर? यार है तभी तो बोल रहा हूँ, शर्त लगा लो, अगर ना हो तो 11वें दिन आप मुझे ब्लॉक कर देना। चलो ठीक है, तुम इतना फोर्स कर ही रहे हो तो बात कर लेंगे। अच्छा नंबर बताओ, नंबर बताओ, आप मुझे बताओ एक बार अपना। ठीक है, व्हाट्स योर नंबर? 99 99। बट एक मिनट यार, एक चीज़ पूछनी है मुझे, बुरा मत मानना, आपकी राशि क्या है? राशि क्यों पूछ रहे हो आप? अच्छा बताओ तो सही यार। सजिटेरियस। ओ तेरी शिट, क्या हुआ यार? एक्चुअली मेरे पंडित जी ने कहा है कि तुझे इस राशि वाली लड़की से ना दूर रहना, ये तेरी सेहत के लिए हानिकारक है। सॉरी, क्या तुम इन सब चीजों में बिलीव रखते हो? हाँ रखना पड़ता है ना, जिंदगी से बहुत प्यार है, मरना नहीं चाहता मैं। सॉरी आई कांट बी योर बॉयफ्रेंड एंड फ्रेंड। अरे हद है, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो, इन सब चीजों में तुम बिलीव रखते हो। बट आई एम रियली सॉरी यार, जो अभी सब बोला वो सब सेंचुरी चल रही है। कोई बात नहीं है, जो अभी सब बोला उसे भूल जाओ यार, आई एम रियली सॉरी, नाइस टू मीट यू। कहाँ जा रही हो? नहीं बैठना भी पाप है आपके पास मेरे लिए। अरे